देहरादून पे अभी हम, और यहाँ गर्म हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं प्रवेश सर की दुकान के इनोग्रेशन पे। तो चलिए मिलते हैं उनसे और उनके इनोग्रेशन के सेलिब्रेशन हम भी करते हैं। चलिए भाई, हमारे ओम ज्वेलर्स नाम से एक नई दुकान का इनोग्रेशन हुआ है, आप लोग आइए, आपको बेहतर सेवा दी जाएगी। सर ने हमको 6th क्लास से पढ़ाया है 12th तक, और आज हमको बहुत खुशी है कि सर की ज्वेलरी शॉप खुली है यहाँ मियाँ वाला पे। ये मियाँ वाला रायपुर रोड यूको बैंक के ठीक सामने है, आइए आपको बेहतर सेवा मिलेगी पूरे एरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। परसों हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था, तो हमने स्टेपनी लगाई थी, तो उस दिन तो किसी ने हेल्प करी थी, आज खुद ही बदलेंगे स्टेपनी का टायर। तो आप लोग भी सीखिए और हम भी देखते हैं कैसे बदलते हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा। हमारी गाड़ी का टायर पंचर कैसे हो वो आपको अपकमिंग वीडियो से पता चलेगा। चलिए टायर निकालते हैं। अभी हम जो टायर निकाल रहे हो हमारे गाड़ी का मेन टायर है, अभी जो गाड़ी पे पहले से लगाया हुआ है स्टेपनी का टायर। आप गाड़ी के ऊपर डेंट देख सकते हैं, वो भी उसी दिन लगा था जिस दिन टायर पंचर हुआ। कार पे जैक लगाने से पहले हम टायर के सारे बोल्ट लूज कर लेंगे ताकि बाद पे वो आराम से निकल पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैक सही जगह पे लगाएं, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो कार पे कुछ हार्ड पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर को हम जैक लगा सकते हैं। जैसे आप मेरी कार पे देख सकते हैं कि हार्ड पॉइंट वहाँ है जहाँ पर को मैं जैक लगा रहा हूँ।
जितने बोल्ट्स हैं उनको आराम से बारी बारी करके टाइट करें, ऐसा ना करें कि किसी एक बोल्ट को आपने पूरा टाइट कर दिया फिर आप दूसरे बोल्ट को टाइट कर रहे हैं। जैक निकालने के बाद टायर के बोल्ट्स जितने टाइट हो सके उतना टाइट कर लें, ताकि कभी ऐसा रिस्क ना रहे कि गाड़ी चलते चलते वो बोल्ट्स निकल रहे हैं। सब चेक कर जब कर ही रहा है। अभी टायर चेंज ही किया था कि पापा ने और काम दे दिया, बोला कि सारे टायर चेक कर ले। चलो सभी चेक कर लेते हैं। इस तेज धूप में पूरा तेल निकल गया शरीर का एक स्टेपनी बदलने में। जो ड्राइवर भी होते हैं वो भी काफ़ी मेहनत का काम करते हैं, उनकी भी काफ़ी इज्जत मिलनी चाहिए। तेल निकल गया। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तुषार अतोड़ी साइनिंग ऑफ।